हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू क्लास 10+2 इंग्लिश क्लास। दिस इज़ द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश इन योर न्यू सेशन दैट इज़ रेनबो ऑफ इंग्लिश। लेट अस गो थ्रू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द बुक एंड लेट मी टेल यू अबाउट द चेंजेस इन द सिलेबस। सो एज यू कैन सी, वी हैव सेक्शन ए एंड बी इन फ्रंट ऑफ यू। And in the section A, a few chapters have been omitted in the syllabus. You can note down the chapters that are in the syllabus in section A, chapter number 1, 2 and 3. They are still in the syllabus, while chapter number 4 and 5 have been deleted. Chapter number 6 and 7, they are in the syllabus, while the chapter number 8 and 9 are not included in the syllabus now, they have been deleted. Chapter number 10 is still a part of the syllabus. And in the section B, poem number 1, Prayer of the Woods, poem number 2, On Friendship, poem number 3, The Echoing Green, and poem number 4, Once Upon a Time, they are still in syllabus, while poem number 5, Cheerfulness Taught by Reason, has been deleted. Poem number 6, Father Returning Home, is a part of the syllabus. And poem number 7, The Road Not Taken, is also part of the syllabus, while poem number 8, On His Blindness, is out of syllabus now. Let's move on to section C. In the section C, chapter number 1 to 5 are still a part of the syllabus, while the chapter number 6 has been deleted. So this is regarding the main textbook. As you had a textbook in 10+1 class, similarly you have a textbook in 10+2 class, and similarly you have three sections. As you can see, section A is lessons for intensive study, section B is poetry, and section C is lessons for extensive study. Pyare bachyo, navi class de vich aur is video de vich tuhanu bahut bahut swagat hai. Is channel dwara tuhanu hun har roz padhaya jayega. असी टैक्सट बुक तो शुरू कर रहे हैं, जो चैप्टर्स कट्टे गए ने वो मैं तुहानू दसते, और जो चैप्टर तुहाडे सिलेबस च है गया एक एक करके असी इस चैनल तो पढ़ते जावांगे, तुसी मेरे तो समझते जाओगे। सो सैक्शन ए चो जिवें मैं दसिया कि चैप्टर नंबर 4, 5, 8 ते 9 कट्टे जा चुके ने, सैक्शन बी चो पोइम नंबर 5 ते 8 कट्टियां जा चुकियां ने, जदों कि सैक्शन सी चो लास्ट चैप्टर द बुल बीनीथ द अर्थ कट्टिया जा चुका है। बाकी सब पार्ट जो ने वो चैप्टर का हिस्सा हैं। आई होप यू हैव नोटेड डाउन। नाउ स्विच ऑन टू सैक्शन ए एंड चैप्टर नंबर 1। सैक्शन ए एंड चैप्टर नंबर 1 is what we say, the name of the chapter is Hassan's Attendance Problem. Just wait, I'm going to adjust the view. As you can see on screen, this chapter is Hassan's Attendance Problem, written by Sudha Murthy. You have already read about Sudha Murthy in 10+1 class. The same writer has written this chapter. Mrs. Sudha Murthy is a teacher, social worker and philanthropist. All of you know, तो अनुपता है कि Mrs. Sudha Murthy जो ने अध्यापक रही ने, समाज सेवक ने, बहुत ही दानी इंसान के तौर पर उन्होंने जानिया जाता है। Her works speak more than any words will. उन्होंने इन्ना ज़्यादा काम किया है कि असी शब्दों के उसनु बयान ही नहीं कर सकते। उन्होंने जो हसबेंड मिस्टर नारायण मूर्ति, वो इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर हैं, इन्फोसिस जो कि लीडिंग कंपनी है इंडिया की। हर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फैमिली कंपनी एंड वर्ल्ड इज इमेंस। इन्ना ज़्यादा काम सुधा मूर्ति ने किया है वख वखरे खेतरों के, अपने परिवार लिए, अपनी कंपनी लिए और साढ़े समाज लिए, दुनिया लिए, कि असी उसनु शब्दों बयान ही नहीं कर सकते। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली एंड नॉट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज।
सो ये चैप्टर तुहानू बहुत ही सोहनी सिक्ख्या देगा। ये चैप्टर तुहानू दसेगा कि तुसी जो भी पढ़ना है नॉलेज लिए पढ़ना है, ना कि इसलिए पढ़ना है कि तुसी नंबर लैने जॉब लैनी है। क्योंकि अगर असी नॉलेज हासिल नहीं करांगे तो साढ़े मार्क्स, साढ़े ग्रेड्स, साढ़े मेडल्स सानू कोई फायदा नहीं देंगे। क्योंकि लाइफ के विच असी कामयाब होना अपने हुनर नाल, अपनी स्किल नाल, अपनी डिग्रीज नाल नहीं। ओनली वर्किंग फॉर मार्क्स और मनी विल लीड वन नोवेयर। अगर असी सिर्फ पैसा या सिर्फ नंबर लिए पढ़ाई करते हाँ तो उसका कोई फायदा नहीं है। शी एक्सप्लेन्स इट विद एग्जाम्पल ऑफ अर स्टूडेंट हसन हु यूज टू बंक अ लॉट ऑफ अ क्लास। तो ये सारा कुछ स्पष्ट करने लिए उन्होंने एक उदाहरण ली है अपने एक स्टूडेंट हसन की, जो कि उन्होंने क्लासेस बंक करता रहता है फॉर मैनी ईयर्स नाउ। I have been teaching computer science to students studying for their masters in computer application at a college in Bangalore. So, पहले ही पैराग्राफ के विच सुधा मूर्ति जी दस रहे ने, इत्थे आई का मतलब है सुधा मूर्ति राइटर, अपने बारे दस रहे ने। जो अपने बारे दस रहे हों राइटर, उन्होंने अपन नरेटर भी कह दें, वो गल सुना रहे ने सानू। तो वह कहें कि मैं कई साल हो गए, मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर हाँ, मास्टर डिग्री जो बच्चे मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं मैं उन्होंने पढ़ाती हाँ। कितने पढ़ाती हाँ? बैंगलोर के कॉलेज। तो पहले ही पैराग्राफ के सानू एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, वट इज़ द प्रोफेशन ऑफ द नरेटर। द नरेटर इज़ अ टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस एट अ कॉलेज इन बैंगलोर। फिर हम सुधा मूर्ति कहें कि मैं इस कॉलेज के पढ़ाते हुए आई हैव इंटरैक्टिड विद मैनी स्टूडेंट्स एंड दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैम द मेमोरीज ऑफ सम आर एज इन माई हैड। दैट इज नॉट बिकॉज दे आर ब्रिलियंट बट रादर बिकॉज समथिंग इन दैम वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो कहें कि इन्ने बच्चों पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ बच्चे ने जो मैं याद रह जाते हैं। एचड मतलब खुणिया होना, मेरे दिमाग च उन्होंने याद खुण जाती है, रह जाती है, खुद जाती है हमेशा हमेशा लिए। इसलिए नहीं कि वो ब्रिलियंट होंगे ना, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुछ अजिहा होंगे जो बाकी बच्चों नहीं होंगे। इन माई फर्स्ट बैच, तो कहें कि जो मैं उत्थे पढ़ा रही थी तो मेरे पहले ही बैच के पहला बैच जो मैं बच्चों का पढ़ाया, देर वॉज़ अ वेरी ब्राइट बॉय कोल्ड हसन। तो उन्होंने हसन की पहली क्वालिटी दसी है कि एक बड़ा ही होशियार बच्चा सी हसन। सो द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ हसन इज ही वॉज़ ब्राइट, ही वॉज़ टॉल, हैंडसम एंड विद अ वेरी गुड मैमोरी। सो अगे उन्होंने हसन दिया क्वालिटीज़ दसियां ने कि हसन देखने दे विच लंबा लंजा, खूबसूरत, हैंडसम नौजवान सी, ते उसकी याददाश्त बड़ी तेज़ सी, वेरी गुड मैमोरी। ही केम फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली। अगली चीज़ सानू हसन बारे पता लगती है कि वह एफ्लुएंट फैमिली नाल संबंधित सी, रिच फैमिली नाल संबंधित सी, अमीर परिवार चो सी। वेयर ही वॉज़ द ओनली सन, तो वह उस अमीर परिवार दे विच इकलौता बेटा सी। Initially, I did not come to know of his existence at all, mainly because he was hardly ever present. पहला तो मैं उसके बारे जानती ही नहीं सी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। क्यों नहीं गया, उसका कारण की है? क्योंकि वो क्लास च बहुत ही घट हाजिर हुंदा सी। सो इत्थे भी सानू एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि why did the writer not notice Hassan? The writer could not notice Hassan because he was hardly ever present. क्योंकि absent बहुत रहिंदा सी वो। So इत्थों तक तुहानू I hope कि story पता लग रही है। I normally take just wait Now Sudha Murthy says that I normally take the first class of the day, which is scheduled at 9 a.m. or the other after that at 10 a.m. I prefer this time as this is when students are fresh and very attentive. तो कहते कि मैं आमतौर पर सवेरे 9 बजे वाली या 10 बजे वाली क्लास ही लेती हूँ। मैं ये टाइम स्लॉट क्यों प्रेफर करती हाँ, क्योंकि उस टाइम बच्चे बिल्कुल फ्रैश सवेरे सवेरे अपने घरों तैयार व्यार हो के आए होंगे, उनका दिमाग एकदम फ्रैश होंगे, सीखने लिए तैयार होंगे, तो बड़े ध्यान नाल सीखते हैं। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सवेर का 9 बजे वाला तो 10 बजे वाला पीरियड ही लवा। वंस इन अ वाइल हसन वुड टर्न अप, पर्टिकुलरली इफ देयर वाज अ क्लास टेस्ट और ड्यूरिंग एग्जामीनेशन। तो कदे कदे हसन नज़र आने लग पैंदा सी,
ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈ ਮੈਟ ਹਿਮ ਮੋਰ ਆਫਨ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ, ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਮੀਟਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਹਸਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੈਗ ਫੋਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਮੈਨਰ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਫੋਰ ਮੀ ਟੂ ਸੇ ਨੋ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਅਪਸੈਟ ਐਂਡ ਟੈਲ ਹਿਮ ਨੋ ਆਈ ਕਾਨਟ ਗਿਵ ਯੂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ, ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਸਿਪਲਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਨਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਵੁੱਡ ਹਸਨ ਟਰਨ ਅਪ, ਦ ਹਸਨ ਵੁੱਡ ਟਰਨ ਅਪ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਜ਼ਰ? ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਡਾਂਟੀ ਫਟਕਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਮੈਡਮ, ਹੀ ਵੁੱਡ ਰਿਪਲਾਈ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕਲੀ। ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪਾਰਡਨ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਉ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਔਨਵਰਡਸ ਆਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਟੈਂਡ ਯੋਰ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਨੋਟ ਪਾਰਡਨ ਮੀ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਟੂ ਅਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਟੂ ਫੋਰਗਿਵ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ। ਯੂ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਟੋਟ ਅਸ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਆਈ ਕੁੱਡ ਨੋਟ ਰਿਮੇਨ ਐਂਗਰੀ ਫੋਰ ਲੋਂਗ। ਟੀਚਰਸ ਡੂ ਗੈਟ ਅਪਸੈਟ ਵਿਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ ਨੋਟ ਰੈਗੂਲਰ, ਬਟ ਇਫ ਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਅਫੈਕਟਸ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਮੈਲਟ ਲਾਈਕ ਸਨੋਅ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸਨ। A good teacher will always wish for the best for her student. Though I do agree, discipline is very important too. ਹੁਣ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਕਚਰਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਐਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਹਸਨ ਵੁੱਡ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ ਗੈਟ ਅ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟਾਰਟਿਡ ਐਵਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦਿਸ ਡਰਾਮਾ ਹਸਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਨ ਨਾਲ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕੱਟਦੇ, ਉਹ ਹਾੜੇ ਕੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਅਪਸੈਟ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਿਵਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਈਚ ਟਾਈਮ ਹਸਨ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਹਿਸ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰ ਵਨ ਵੀਕ ਵੁੱਡ ਅਟੈਂਡ ਓਲ ਕਲਾਸਿਸ, ਦੈਨ ਦਾ ਸੇਮ ਓਲਡ ਸਟੋਰੀ ਵੁੱਡ ਫੋਲੋ। ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਸਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਰੋਜ਼ ਲਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਈਚ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਫੋਰ ਹਿਸ ਐਬਸੈਂਸਿਸ, ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀਮ ਜੈਨੂਇਨ ਟੂ ਮੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। Once I got tired of his stories and called his parents, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹਸਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ, ਯੋਰ ਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੋਏ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਰੋਗੈਂਟ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਸਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਰੋਗੈਂਟ, ਉਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ
अनुशासनहीन है. इफ ओनली ही केम टू क्लास रेगुलरली एंड अटेंडेड द लैब आई एम श्योर ही कैन गेट अ रैंक. अगर वह हर रोज़ क्लास ही चाहता है तो लैब जाके प्रैक्टिकल सीखता है, मैं पता है थोड़ा बच्चा तो क्लास के विचों कोई ना कोई रैंक ले सकता है. आई हैव फेल्ड टू कन्विंस हिम, लेकिन मैं थोड़े बच्चे इस समझाने च कामयाब नहीं रही. आई विल बी हैप्पी इफ यू कुड लुक इन टू द मैटर मोर सीरियसली बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट हिज लाइफ, आई सेड टू दैम. मैं उसके माता पिता ने कहा, मैं मतलब लेखका ने उसके माता पिता ने कहा कि मैं खुशी होएगी अगर तुसी इस मामले को थोड़ा गंभीरता ना लो तो अपने बच्चे को समझाओ, क्योंकि ये आदतें उसकी जिंदगी के उत्ते प्रभाव पाउणगियां. हसन's फादर वॉज अ बिजी मैन. हसन के पिता जी के जो इंसान से बहुत ही व्यस्त इंसान से एंड डिड नॉट टेक माई वर्ड्स वेरी सीरियसली. उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान में लिया ही नहीं. ही सैड, हुण उन्हें पिता जी की कहते सुनो, एज लोंग एज ही डज वैल दैट इज़ फाइन विद मी बिकॉज आफ्टर एट सडन एज चिल्ड्रन वुड नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स, ओनली लाइफ विल टीच दैम. तो उन्होंने पिता जी के शब्द ने कि जिनी देर यह सारा काम ठीक कर रहा है मैनू कोई दिक्कत नहीं, पर इस तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक उम्र तो बाद बच्चे अपने माता पिता की गल सुनो हट जाते हैं, फिर तो उन्होंने जिंदगी ही सबक देती है. बट हिज मदर वॉज इन टियर्स. लेकिन उन्होंने माता जी का रिएक्शन की सी, रोन लग गई सी. मैडम आई हैव फेल्ड एज अ मदर. हुण उन्होंने माँ की कहती है हसन की, मैडम मैं एक माँ के तौर पर फेल हो गई. ही डज नॉट लिसन टू मी एट ऑल. मेरी एक भी गल नहीं सुनता. ही स्पेंड्स ऑल नाइट लिसनिंग टू म्यूजिक एंड चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स. पूरी रात यह संगीत सुनते सुनते बिता देता है या अपने फ्रेंड्स नाल चैटिंग करता रहता है. ही स्लीप्स एट 6 इन द मॉर्निंग. सौंदा कदों है? सवेरे 6 बजे. हाउ कैन ही कम टू एनी क्लास? फिर वो किस तरीके नाल आके तुहाडी क्लास लगा सकता है? 6 बजे सौ के 9 बजे वाली क्लास कितों लानी उन्हें? ही डज नॉट पे एनी अटेंशन टू वट आई से एंड टैल्स मी आई रिपीट द सेम थिंग ऑलवेज. वो कोई ध्यान नहीं दिता मैं जो बोली जानी हाँ, तो उल्टा मैं कहता है कि तुम तो हर टाइम इको ही गल करते रहते हो. सो हूँ इस मीटिंग का एंड की होया? ये तो क्वेश्चन आएगा, हाउ डिड द मीटिंग एंड? द मीटिंग एंडेड इन एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन द पेरेंट्स. सो द मीटिंग एंडेड फ्रूटलैसली. इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलिया, क्योंकि मीटिंग के अंत माँ बाप आपस ही लड़ पाए. हिज फादर सैड यू आर अ मदर. पिता जी ने तर्क दिता कि तू माँ है, इट इज़ योर ड्यूटी टू करैक्ट हिम. तेरा काम है उसको ठीक रस्ते पर पाना. यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम. उस दे नाल होर समा बिताओ, उसको समझाओ. आई एम सो बिजी, मेरे को टाइम नहीं, मैं तो बहुत व्यस्त हाँ. यू हैव फेल्ड, तुसी अच्छी माँ नहीं बन सके. हिज मदर सैड यू आर द फादर. माँ कहती है कि तुसी बिताओ. इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल वॉइस. कुड़ी हुंदी मैं कंट्रोल कर दी, लेकिन लड़कियां नू कंट्रोल करना एक माँ दे वज़ दा नहीं है. यू कैन स्पीक टू मैन टू मैन. तुहानू बल्कि एक लड़के नाल, जवान लड़के नाल गल करनी चाहिए है. अर्निंग मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ. जिस तरह तुसी पैसे कमाने च बिजी हो, यही एक काम नहीं हुंदा जिंदगी दे विच के पैसे कमाते रहना, अपने बच्चे नू भी संभालो. दिस कंटिन्यूड फॉर अ वाइल एंड द मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली. इस तरीके उन्हों की आपसी बहस चलती रही, तो मीटिंग बिना किसी नतीजे तो खत्म हो गई. हसन कंटिन्यूड इन हिज वेज टिल ही पासड आउट ऑफ हिज कोर्स. हसन आई अपन मस्तियाँ मारता रहा जिनी देर तक वो पास होकर उतो चला गया. एज यूजल इन फस्ट क्लास. नंबर तो उसके हजे भी फस्ट क्लास ही आए से. ही वॉज़ अ नाइस बॉय, एक अच्छा लड़का सी. ही केम एंड थैंक्ड मी. वो आया तो उसने मेरा धन्यवाद किया. तो बच्चे तुसी सोच रहे हो गए कि अगर वो फस्ट क्लास नंबर लै ही रहा तो फिर की नुकसान हो? इसका की नुकसान होया और उसनु क्यों डिसिपलिन होना चाहिए सी? इस दा जवाब मिलना सानू पार्ट 2 दे विच. दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 1 एंड आई विल मीट यू अगेन इन पार्ट 2 ऑफ हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम. टिल देन प्रैक्टिस रीडिंग फ्रॉम योर इंग्लिश रीडर बुक. आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर. फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन स्टे ट्यून्ड टू मी. Thank you. Have a nice time.